दोस्तों, क्या सचमुच केवल सोचने मात्र से हम अपने शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? इस प्रकार के कई प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे। तो क्या ये सच है क्या नहीं? आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये केवल कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, जिससे आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपनी पाचन शक्ति के कारण बहुत मजबूर था। उसकी पाचन शक्ति बहुत ही कमजोर थी और उसी कारणवश उसका वजन हमेशा कम ही रहता था। वह यदि थोड़ी मेहनत भी कर लेता तो बहुत थक जाता था, और यदि वह कभी लंबी यात्रा पर निकलता तो मानो उसका शरीर टूटने लग जाता, जिस कारण वह थक हार कर हार मान लिया करता। और यही वजह थी कि वह अपने मन में अपने लिए हीन भावनाओं को भी महसूस करता। वह मन ही मन अपने आप को बहुत दुर्बल मानने लगा था, और साथ ही वह अपने आप को कोसा करता, अपने आप को दुख दिया करता। पढ़ाई के दिनों में उस युवक के कमरे में किताबें कम और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों का ढेर लगा रहता। उस युवक ने अपनी अपच मिटाने के लिए तरह तरह की दवाइयां भी की थी, तरह तरह की औषधियों का सहारा लिया था, लेकिन उनसे उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन परेशान और हताश होकर वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां पर उसका एक मित्र आया और उसने उस युवक से कहा, क्या बात है मित्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस पर उस युवक ने अपनी सारी परेशानियां अपने मित्र को बताई। इस पर उसके मित्र ने उस युवक को सलाह देते हुए कहा, मित्र, यहां पास ही में एक आश्रम है जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते हैं। वह हर प्रकार की बीमारी से सभी को निजात दिलाते हैं। तुम भी वहीं पर जाओ, वह तुम्हें तुम्हारा इलाज अवश्य बताएंगे। उस युवक ने मित्र की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसने तय किया कि वह उन गुरु के पास अवश्य जाएगा। और अगले दिन सुबह सुबह वह उन गुरु के आश्रम के लिए निकल पड़ता है। देखते ही देखते केवल कुछ ही समय में वह व्यक्ति उन गुरु के आश्रम जा पहुंचा। जब वह युवक वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह गुरुवर ध्यान में लीन थे। उस युवक ने वहीं पर रुकने का निश्चय किया और वह उनके सामने ही जमीन पर बैठ गया। जब उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने एक युवक को पाया जो बहुत ही दुर्बल था, जिसका शरीर बहुत ही पतला और कमजोर नजर आ रहा था। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम कितने दुबले पतले नजर आ रहे हो, आखिर तुम्हारा शरीर इस प्रकार इतना कमजोर क्यों है? उन गुरुवर ने ऐसा कहके उस युवक की दुखती रथ पर हाथ रख दिया था। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूं, मुझे भी ये मेरी धसी हुई आंखें, दुर्बल और निर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूं, जिस कारण मेरा शरीर बहुत कमजोर रहता है। मैंने बचपन से ही तरह तरह की औषधियां ली, तरह तरह की दवाइयों का सेवन किया, लेकिन उसके बाद भी मेरे शरीर को कोई लाभ ही नहीं हो रहा। किसी भी प्रकार की औषधि मानो मेरे लिए काम ही नहीं कर रही। मैं हर प्रकार की दवाइयां कर करके अब थक चुका हूं। अब मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं और किसी प्रकार की कोई दवाइयों का इस्तेमाल कर पाऊं। इसी कारण आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे मेरे मित्र ने बताया था कि आप सभी की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या आपके पास मेरी इस बीमारी का कोई इलाज है? उन गुरुवर ने युवक की एक एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, सभी प्रकार की औषधियों की एक सीमा होती है और वह अपनी सीमा में रहकर ही काम कर पाती हैं। किंतु ये तुम्हारी बीमारी और तुम्हारा ये कमजोर शरीर, इसका कारण तुम खुद ही हो। यह सुन वह युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो अपने
इस शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, तरह तरह की औषधियाँ और तरह तरह की दवाइयों का सेवन किया है, लेकिन उसके बाद भी मेरे शरीर में न जाने क्यों उन दवाइयों का कोई लाभ ही नहीं हो रहा। और आप कहते हैं कि इसका कारण मैं हूं, कैसे? इस पर वो गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित रखा है, अर्थात तुम्हें खुद में ही बीमारियां नजर आती हैं। तुम अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा कर चुके हो जिस कारण तुम खुद से ही कमजोर और हीन भावनाओं वाले विचार बोलते हो, जैसे कि ये दवाइयां मुझ पर असर करेंगी या नहीं, पता नहीं मेरी ये बीमारी कभी ठीक होगी या नहीं, पता नहीं मेरा शरीर बलवान हो पाएगा या नहीं। इसी प्रकार के कई सारे विचार तुम अपने मन में दोहराते रहते हो और इसी कारणवश तुमने अपने आप को रोक रखा है, तुमने अपने आप को इस सीमा में बांध रखा है। किंतु वहीं पर यदि तुम ऐसा सोचो कि तुम स्वस्थ हो, तुम बलवान हो और इन शक्तिशाली विचारों को पूर्ण विश्वास से मन में रोक लो, तो अति शीघ्र ही तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। उन गुरुवर की आवाज सुनकर वह युवक अचरज में पड़ गया। उस युवक ने आश्चर्य भरे शब्दों में उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जो कह रहे हैं क्या यह सच में संभव है? क्या केवल सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या आप सच कह रहे हैं? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वह मेरी इस जन्मजात बीमारी को ठीक कर सकें? तभी वह गुरुवर उस युवक के सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, बात केवल सोचने भर की नहीं, बल्कि तुम्हें इसे अच्छी तरह से समझना होगा, तब तुम अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, बताइए मुझे क्या करना होगा और किस प्रकार मैं अपने इस शरीर को पहले से मजबूत और बलवान बना सकता हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, इसके लिए तुम्हें मेरे जीवन का एक अद्भुत किस्सा सुनना होगा। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, एक बार मैं करीब 2 महीनों तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिस कारण मैं बहुत कमजोर हो चुका था, मेरा शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। मैंने तरह तरह के इलाज किए, तरह तरह की औषधियों का उपयोग किया और 2 महीनों के बाद जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु के दर्शनों के लिए गया। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे गुरुवर, मैं 2 महीनों से बहुत बीमार था और इसीलिए मेरा वजन इतना कम हो चुका है, मेरे शरीर में अब साधना करने की तनिक भी शक्ति नहीं बची। इस पर मेरे गुरु मुस्कुराने लगे और वह मुझसे कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुमने पहले खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया और अब मुझसे कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए हो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कल तक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे और बेहतर महसूस करोगे। मुझे अपने गुरु की यह बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे अपने गुरु की बातों पर पूरा विश्वास था। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा था, मुझे पूरा यकीन था कि वैसा ही होगा और पूरा दिन मैं केवल यही सोचता रहा कि मेरे गुरु अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो गया और मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी ही ना हो। मेरा पूरा शरीर स्फूर्ति से भर गया और मैं दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास वापस पहुंचा और पूरी खुशी और उल्लास के साथ उन्हें बताया, हे गुरुवर, इतने दिनों के बाद आज मैं पहली बार अपने शरीर में ये ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूं, अपने अंदर इस ताकत को अनुभव कर पा रहा हूं, अपने भीतर वो स्फूर्ति महसूस कर पा रहा हूं। हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी शक्ति से आखिर मुझे स्वस्थ कर ही दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन इस बार मेरे गुरुवर ने मेरे साथ मजाक किया। उन्होंने कहा, भंते,
तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन किसे पता कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा। हो सकता है फिर से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाए, फिर से तुम उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाओ। मैंने जब अपने गुरु के मुख से यह बात सुनी तो मैं भय से कांप उठा। मेरे मन में बार बार एक ही बात चलने लगी, कहीं मैं फिर से बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, कहीं मेरा शरीर फिर से दुर्बल तो नहीं हो जाएगा। पूरे दिन भर मेरे मन में यही विचार चलते रहे। देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो गया और मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। और अगले दिन जब मैं उठा तो कुछ बहुत अजीब सा हुआ था। मैं इतना बीमार हो चुका था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मेरे भीतर खुद को संभालने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। लेकिन मैं जैसे तैसे धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ बड़ी मुश्किलों के साथ अपने गुरु के पास वापस लौटा और दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा, हे गुरुवर, आपने जो कहा था वो एक बार फिर सत्य हो गया। मैं पूरी तरह से फिर से बीमार हो चुका हूं, मेरे शरीर में अब तनिक भी ऊर्जा नहीं बची। इस पर मेरे गुरु मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा भंते, तुमने आखिर खुद को फिर से बीमार कर ही लिया। इस पर मैंने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला खुद को क्यों बीमार करूंगा, ये तो आप ही के वचन है, जैसा आपने कहा वो सब 100% सच हुआ। इस पर मेरे गुरु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुझसे कहा, भंते, तुम एक बार फिर गलती कर रहे हो। पिछले 2 दिन के अनुभव से तुम ये समझ सकते हो कि ये विचार मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे हैं। ये तुम्हारा ही विश्वास है जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल महसूस कराया है। अपने गुरु की आवाज सुनकर कुछ देर के लिए मैं विचार में पड़ गया और फिर मैंने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, जैसा आप कह रहे हैं यदि वो सच है तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ ये है कि यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन सामान्य हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इस पर मेरे गुरु गंभीरता से मुझसे कहते हैं, भंते, शरीर मन से निर्मित है और मन के ही अधीन है। इस समय तुम जिस भी विचार पर विश्वास कर रहे हो वैसे ही तुम्हारे शरीर की नहीं बल्कि बुद्धि की भी स्थिति है, क्योंकि सचेत मानव मन परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान है। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। इतना कहकर मेरे गुरु ने मुझसे कहा, भंते, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूं कि तुम जिन विचारों पर संपूर्ण तीव्रता से विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इतना कहकर मेरे गुरु मौन हो गए, किंतु अपने गुरु की यह बात सुनने के बाद मैंने अपने अंदर एक अजीब सी स्फूर्णा महसूस की। मैं बीमार था, मेरी हालत बहुत कमजोर थी, लेकिन मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि महसूस की। उस शाम मैं धीरे धीरे चलकर घर वापस लौट आया और गहरी नींद में सो गया। मेरी बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे और अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी माँ मुझे देखकर हैरान थी। वह घबराकर मुझसे पूछती है, बेटा, तुम्हारे शरीर में इतनी सूजन क्यों है? क्या तुम्हें जलाशोथ की कोई बीमारी हो गई है? जलाशोथ की बीमारी में शरीर के टिश्यूज के बीच में ज्यादा द्रव्य फंस जाता है जिस कारण हमारा शरीर सूज जाता है। लेकिन मैंने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मेरा शरीर भी अब पहले से बहुत बलवान हो चुका है। मेरी ये बातें सुनने के बाद भी मेरी माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उनके बेटे का शरीर रातों रात बिल्कुल वैसा ही पुष्ट कैसे हो गया जैसा बीमारी के पहले था। आगे वह गुरुवर कहते हैं कि कुछ ही दिनों में मेरा वजन करीब 22 किलो तक बढ़ चुका था। जो भी मुझसे मिलता था उसे इस बात पर यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी कुछ संभव है। इतना कहकर वह गुरुवर मौन हो गए और इस घटना को सुनने के बाद उस युवक ने भी उन गुरुवर के सभी शब्दों पर तुरंत ही विश्वास कर लिया था, जिस कारण उसके मन से
अपच की वो बीमारी और शरीर की कमजोरी की वह सारी निराशाएं अब गायब हो चुकी थीं। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर लौट आया और अब से वह हर रोज इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। उस युवक ने अगले 2 हफ्तों के भीतर ही इच्छित शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली थी और उस दिन के बाद से उसे वह अपच की बीमारी कभी हुई ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी है परमहंस योगानंद जी की, जो अपनी आत्मकथा में लिखते हुए हमें ये बताते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैंने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं किया था कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं, इसलिए मैं कभी भी ठीक हो भी नहीं पाया। पर उस दिन मुझे ये अच्छी तरह समझ में आया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि हम अपने विचारों की शक्ति कैसे विकसित करें। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में अच्छाई देखनी होगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि कोई स्वयं को अक्सर विकृत विचार सोचने की अनुमति देता है, अर्थात नकारात्मक विचार सोचता है, तो उसका चेहरा भी वैसा ही विकृत हो जाता है। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वह हर स्थिति में, हर व्यक्ति में केवल अच्छा ही सीखे, अच्छा ही देखे और अच्छा ही ग्रहण करे। जैसे हर शरीर भोजन से केवल न्यूट्रिएंट्स ही ग्रहण करता है, बाकी अवशेष वो यूं ही छोड़ देता है, वैसे ही अच्छाई और शुभ को ग्रहण करो, विकृत को छोड़ दो, अर्थात सकारात्मकता ग्रहण करो और नकारात्मकता यूं ही छोड़ दो। दूसरा, शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन ही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हथौड़े की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितना कि उसे चलाने वाले इंसान में होती है। वैसे ही शक्ति सबके पास उपलब्ध है, लेकिन आपके दृढ़ संकल्प में, आपके शब्दों में, आपके शरीर में उतनी ही शक्ति होती है जितनी आपके मन में होती है। मन में ताकत कैसे आती है? विवेक, यानी आपका मन जितने नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को ग्रहण करता है, उतना ही आपका मन मजबूत और साहसी होता है। दूसरी बात, सचेत हो जाओ। विचार शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें विचारों को प्रकट होते ही उनके प्रति सचेत होने की जरूरत है, ताकि हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सकें और नकारात्मक और कमजोर विचारों को त्याग सकें। और यह तभी संभव है जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। इसके लिए आपको ध्यान का अभ्यास करना होगा, ताकि बिना निर्णय और बिना प्रतिक्रिया के हर अच्छे और बुरे विचारों को आप देख सकें, क्योंकि हम ध्यान में नॉन जजमेंट का अभ्यास करते हैं, जिस कारण चेतना का स्तर ऊपर उठता है और हमारे भीतर जागरूकता बढ़ने लगती है, और जागरूकता में ही हम शक्तिशाली विचारों का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए विचारों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। और तीसरी बात, एकाग्रता। बाहर के अशांति और भीतर उठने वाले तरह तरह के विचारों से मन विचलित होने लगता है, जिस कारण वह बहुत जल्दी थक जाता है, कमजोर हो जाता है और शक्तिशाली विचारों को रोक नहीं पाता। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को विकसित करो। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हम एकाग्रता को कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ो, जैसे मैं मन का मालिक हूं और यह मुझे छू नहीं सकता, या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूं। इन विचारों को मन में बार बार दोहराओ, इनके बारे में सोचो और इनका चित्र देखो, और इन विचारों से होने वाले प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे आंखों से ओझल मत होने दो। यह भी एक प्रार्थना है, और इस प्रकार एकाग्रता सरलता से बढ़ती चली जाएगी और मानसिक ऊर्जा एक दिशा में बहती है, और इसी प्रकार अभ्यास करने से आपके विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि जो पूर्ण विश्वास से सोचते हैं वो सच हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देखिए, खुद को हारने की इजाजत मत दो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं,
किस प्रकार हमारा मन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है और हम उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। वैसे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।